हेलो गाइस, यू आर वाचिंग सीरियल से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बात करते हैं ये है चाहते कि आने वाले एपिसोड की, तो एपिसोड की शुरुआत होती है काशवी के साथ, जो अपने सीनियर ऑफिसर से कहती है कि मैं होस्टेजेस को टेररिस्ट से फॉर श्योर बचा लूँगी। सीनियर ऑफिसर काशवी से कहते हैं कि तुम हमारी टीम की बेस्ट ऑफिसर हो, इसलिए मैं तुम्हें अंदर जाने की परमिशन देता हूँ। वो कन्विंस करती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे अंदर जाने दीजिए अकेले, क्योंकि मैं सब संभाल लूँगी। टेररिस्ट काशवी से कहते हैं पैसा कहाँ है। काशवी पैसों से भरा बैग टेररिस्ट को दे देती है और वो सोचती है कि इतने सारे टेररिस्ट हैं, आखिर वो होस्टेजेस को कैसे बचाएगी। तभी वो स्मोक बॉम्ब फेंकती है और होस्टेजेस की हेल्प करती है निकलने में। टेररिस्ट काशवी से कहते हैं कि तू सबको नहीं बता सकती क्योंकि हमने बॉम्ब फिक्स किया है। होस्टेजेस भागते हैं वहाँ से। रौनक मीनवाइल अर्जुन को यहाँ पर देखता है कि वो कहाँ है, और अर्जुन इधर कैच करने की कोशिश करता है ड्रग डीलर को। ड्रग डीलर अर्जुन से बात करता है, अर्जुन उसे पीटता है और अरेस्ट करता है। वो इन्फॉर्म करता है रौनक को कि मिशन सक्सेसफुल रहा। रौनक अर्जुन की तारीफ़ करता है, रौनक थैंक्स कहता है यहाँ पर अर्जुन को, और अर्जुन भी। तभी उसे कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है। इधर स्कूल में प्रिंसिपल अर्जुन से कहती है कि मैं आपका कब से वेट कर रही थी। अर्जुन कहता है कि क्या हुआ, क्या करुण ने फिर से कुछ किया है। वो कहती है कि देखिए, करुण टीचर्स को परेशान कर रहा है और अब तो वो स्टूडेंट्स को भी परेशान करने लगा है। वो कहती है कि करुण न सिर्फ रूड हुआ है बल्कि एरोगेंट भी हो गया है। करुण ने अब सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं। अर्जुन पूछता है करुण से कि तुमने क्या किया। टीचर कहती है कि अर्जुन वो क्या कहेगा। इधर पास में दिखाया जाता है कि टीचर स्टूडेंट को एग्ज़ाम के लिए बताती हैं कि उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। करुण सोचता है कि उसने एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई नहीं की है, इसलिए वो फेल हो जाएगा, और इसीलिए उसे सबको भी फेल करवा देना चाहिए अपने साथ, और इसीलिए वो फायर क्रैकर लाता है अपने बैग में और उन्हें जला देता है। इधर प्रेजेंट में टीचर सब कुछ अर्जुन को बताती है। प्रिंसिपल अर्जुन से कहते हैं कि मैं यहाँ पर आपको चाहती हूँ कि आप बाकी स्टूडेंट्स की कंडीशन देखें। मैं अब और रिस्क नहीं ले सकती, मैं करुण को हफ्तों के लिए सस्पेंड कर रही हूं। अर्जुन माफी मांगता है कारुण के बिहाफ पर। कारुण अर्जुन से कहता है फाइन, मुझे वैसे भी पढ़ाई नहीं करनी यहाँ। अर्जुन कहता है कारुण रुको। प्रिंसिपल अर्जुन से कहते हैं कि आप कारुण को सही डायरेक्शन दिखाइए वरना बहुत लेट हो जाएगा। अर्जुन कारुण को वहाँ से ले जाता है। वो कारुण से कहता है कि तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो पिछले 6 महीनों से। वो कहता है क्योंकि मैं क्या करूं। यहाँ पर अर्जुन कहता है तुम मुझसे शेयर करो क्या चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है। कारुण कहता है कि कुछ भी मुझे परेशान नहीं कर रहा। अर्जुन कारुण से कहता है कि बोलो तुम्हें क्या परेशानी है। कारुण कहता है कि ये सारी चीज़ें मम्मा सिखाती हैं, गुड चीज़ें और बैड चीज़ें। मेरे पास तो कोई मम्मा ही नहीं है, तो मैं अपने आप से जो सीखूंगा वही सीख रहा हूँ ना। वो कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। अर्जुन कहता है तुम्हें ऐसा ही लगता है। कारुण कहता है कि हाँ। अर्जुन कहता है ठीक है, तुमको मैं बेस्ट से बेस्ट टीचर दूंगा जो तुम्हें अच्छा और बुरा समझाएगी। कारुण कहता है कि नहीं, वो मेरी मम्मा नहीं होगी, और वहाँ से चला जाता है। अर्जुन सोचता है कि एक बच्चे को सही बात है, माँ और पापा दोनों की ज़रूरत होती है। बाद में अर्जुन सब कुछ नित्या जगदीश को बताता है। नित्या कहती है कि कारुण सिर्फ बच्चा है। कारुण उसे थैंक्स कहता है और कहता है आप मुझे समझती हैं, और वो अंदर चला जाता है। जगदीश अर्जुन को समझाता है कि कारुण के सिचुएशन। अर्जुन को कॉल आता है रौनक और वहाँ से चला जाता है। दादी काशवी से कहती है कि तुम बहुत खतरनाक मिशन पर जानबूझ कर जाती हो ना। काशवी कहती है कि हाँ, मैंने जब अपने प्यार को खो दिया, अपने बेटे को खो दिया, तो अब मेरी ज़िंदगी में बचे रहने के लिए क्या ही है। अगर मैं मर भी जाऊँ तो किसको फर्क पड़ेगा। दादी कहती है काशवी से कि ऐसे मत बोल। रौनक यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं डॉन देवराज के बारे में। वो उसको नया मिशन देते हैं अर्जुन को। वो कहते हैं कि तुम्हारी टीममेट जो है वो भी तुम्हें जल्द ही ज्वाइन करेगी। काशवी यहाँ पर वेट करती है अपने नए टीममेट का, और अर्जुन वहाँ पर आता है। यही सब दिखाया जाएगा अपकमिंग ट्रैक में, देखना होगा। बेहद इंटरेस्टिंग कि क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करके फिर से करीब आएंगे। क्या लगता है कमेंट कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।